नवाबों का शहर बहावलपुर, एक ऐसा शहर जहां तारीख, सकाफत और तामीराती अजमत एक दूसरे से मिलती हैं। सरसब्ज बागात, कुदरती मनाजिर इस शहर को मुनफरिद मकाम दिलाते हैं। साबका रियासत बहावलपुर बरेसगीर की दूसरी बड़ी इस्लामी रियासत थी। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल के बेटे नवाब बहावल खान अव्वल ने सन 1774 में बहावलपुर की बुनियाद रखी और इसे रियासत का दारुल खिलाफा करार दिया। बहावलपुर को मॉडल डिजाइन से तैयार किया गया। सबसे पहले तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ बाजार बनाए गए, जिनमें शाही बाजार, गिरीगंज बाजार, फतेह खान बाजार, चौक बाजार, मछली बाजार, खवातीन के लिए खसूसी तौर पर रंगीला बाजार का नाम काबले जिक्र है। बाजारों के इर्द गिर्द रिहायशी घर और मोहल्ला जात बनाए गए और लोगों को यहाँ आबाद किया गया। बहावलपुर शहर में दाखिल होने के लिए 7 दरवाजे भी बनाए गए, जिनमें अहमदपुरी गेट, डेरावरी गेट, मुल्तानी गेट, शिकारपुरी गेट, बोहड़ गेट, मोरी गेट और बिकनरी गेट, जिसे बाद अज़ां मारूफ बुजुर्ग सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से फरीद गेट का नाम दिया गया। बहावलपुर को तालीमी मैदान में भी मुनफरिद मकाम हासिल है, क्योंकि नवाब ऑफ बहावलपुर चाहते थे कि रियासत में तालीम आम हो और यहाँ बसने वाले लोग तालीम याफ्ता कहलाएं और दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करें। आला तालीम के हसूल के लिए सादिक पब्लिक स्कूल, नौजवानों की फनी तालीम के लिए गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल, आम लोगों में तालीम की शमा रोशन करने के लिए अब्बासिया हाई स्कूल, SD हाई स्कूल, सादिक इजर्टन कॉलेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अलावा खवातीन के लिए अलग स्कूल्स का क्याम भी अमल में लाया गया। शहर को रोशन रखने के लिए बिजली घर कायम किया गया, जबकि खुद मुख्तार रियासत होने के नाते रियासत में इंसाफ के हसूल के लिए हाई कोर्ट का क्याम, दी बैंक ऑफ बहावलपुर का क्याम, रियासत का अपना प्रिंटिंग प्रेस जहां पर रियासत के जरूरी कागजात छापे जाते थे, इसके साथ साथ अफगानिस्तान की सरकारी करेंसी भी यहां से छापी जाती थी। जिक्र तेरे यार दा मौला करें दारे एक मुस्लिम रियासत होने के नाते यहाँ छोटी बड़ी मस्जिद भी तामीर की गई, जिनमें जामिया मस्जिद अल सादिक भी शामिल है, जहाँ बयक वक्त लाखों अफराद नमाज की अदायगी कर सकते हैं। ईद नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह की तामीर, जबकि इस दुनिया से रुखसत होने वालों के लिए मरकजी जनाजा गाह का क्याम भी काबिले जिक्र है। दुनियावी तालीम के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी, शहरियों की तफरीह के लिए शेर बाग, गुलजार सादिक, खेलों की सरगर्मियों के लिए ड्रिंग स्टेडियम की तामीर शामिल है। वालियान रियासत ने यहाँ के बासियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए बहावल विक्टोरिया हस्पताल के अलावा खवातीन के लिए जुबली हस्पताल खसूसी तौर पर कायम किए, जबकि तिब्बे नबी को फरोग देने के लिए तिबिया कॉलेज का क्याम भी अमल में लाया गया। इस वक्त बहावलपुर में नवाब सरसादिक अब्बासी हस्पताल, रेडियो पाकिस्तान, बहावलपुर म्यूजियम और बहावलपुर एयरपोर्ट के अलावा यहाँ का तारीखी फवारा भी लोगों की खसूसी तवज्जो का मरकज है, जो मलका बरतानिया ने नवाब साहब को तोहफे में दिया था। इस तरह के दो फवारे दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें एक लंदन के बर्मिंघम पैलेस और दूसरा यहाँ मौजूद है। फनी एतबार से भी ये इलाका बहुत जरखेज है। उस्ताद हुसैन बख्श खान ढाडी, सुरैया खानम, उस्ताद मुबारक अली खान, परवीन नजर, जमील परवाना, नसीर मस्ताना, आशिक हुसैन, रमजान हुसैन और हसीना मुमताज जैसी फनकारों की आवाजें यहाँ की खास पहचान है।
दिल पर सुन खिन मैं ते हाँ ते हर दम तेरी रासा दिल पर सुन खिन मैं ते हाँ ते हर दम तेरी रासा दिल पर तू भावे दूर रहवे पल भी तेनो आसा दिल पर मेरा जन्म साथा मेरा जन्म साथा इमे नहीं करीदा मेरा जन्म साथा इमे नहीं करीदा डोका दे आखे उस नहीं मनीदा मेरा जन्म साथा मेरा जन्म साथा इमे नहीं करीदा दे आखे उस नहीं मनीदा सिख ढेर ढोलन तेरी सिख ढेर हिम तागा घना चाहे बहु ढोलन तेरी सिख ढेर हिम तागा घना चाहे बहु इसी तरह फन अदाकारी में उज्मा गिलानी, मस्ताना, असगर बहावलपुरी, सुहेल पाशी और मुख्तार अंजुम समेत दीगर नाम काबिले जिक्र हैं। खेलों के एतबार से इस शहर को नुमाया हैसियत हासिल है। समीउल्ला खान, कलीमुल्ला खान, मुतीउल्ला खान, डॉक्टर आतिफ बशीर और उमर भुट्टा जैसे नाम दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। सियाहत के हवाले से इस शहर को महलात का शहर भी कहा जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सियाह यहाँ का रुख करते हैं। नूर महल, दरबार महल और गुलजार महल हमेशा तवज्जो का मरकज रहते हैं। कयामे पाकिस्तान के बाद बहावलपुर पहली रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिए। बानिये पाकिस्तान हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामिस को मोहसिन पाकिस्तान का लकब दिया, जबकि शायर मशरिक हजरत अलामा इकबाल ने नवाब साहब को कुछ यूं खराज तहसीन पेश किया। जिंदा है तेरे दम से अरब की रिवायतें, ए यादगारे खलवते इस्लाम जिंदाबाद।